हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो टॉप ट्रेंडिंग में अगर कोई कॉइन चल रहा है जिसका 24 आवर्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला है या फिर जो ग्रीन में चल रहा है वो बोंग कॉइन ही है। तो बोंग कॉइन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसका ब्रीफ किया था, लेकिन अभी इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाने वाले हैं। तो एक्चुअली में इसकी लिस्टिंग्स तो आ रही है, इसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बोंग कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर है, वही एक सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत कुछ है बोंग के बारे में जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या बोंग कॉइन होल्ड करने लायक है या नहीं, और इसी के साथ थोड़ा सा शिबा इनू के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि शिबा में अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है हमें। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वॉल्टेड ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमारे वॉल्टेड डिस्कस ग्रुप के ऊपर आ सकते हैं जहां पे आप हमारे ट्रेडर्स के साथ या फिर मेरे साथ पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तो अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं तो यहां पे ट्रेंडिंग में कौन सा कॉइन चल रहा है, बोंग, इसके बाद ईगो, फिर उसके बाद इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव का एंज कॉइन भी बहुत लंबे समय से ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रॉफिट दिया पिछले दो दिन के अंदर, तो 24 आवर्स का हम देख सकते हैं यहाँ पे बोंग कॉइन ही सबसे ऊपर चल रहा है। इवन 7 दिनों के अंदर इसने 60-65% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है। अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो बाकी सारे कॉइन्स वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं या फिर फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, जैसे कि हीलियम है, ओडीए, वू नेटवर्क, इंजेक्टिव। लेकिन इनमें से एक अगर हम टॉप पे देखें तो ये बोंग कॉइन है, जो अगेन एक मीम कॉइन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा चल रहा है मार्केट में। इसके पीछे मेन रीजन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये 100 ट्रिलियन बोंग कॉइन्स की है, जिसमें से 63 ट्रिलियन बोंग कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में एज ए सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है, और इसका जो मार्केट कैप है $1.6 बिलियन के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन जो है वो तो यही है कि अभी ये एक्चुअल में सोलाना के ऊपर है, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से सोलाना के साथ साथ इस कॉइन को भी अच्छी हाइप मिल रही है। वैसे अगर हम इंडिविजुअली सोलाना को देखें तो ऑलरेडी सोलाना भी अच्छा ही प्रॉफिट दे रहा है, बहुत अच्छे प्राइस पे टिका हुआ है, अभी भी $70 से ऊपर चल रहा है, लगभग $73 के आसपास चल रहा है, $73-74 के आसपास चल रहा है। तो सोलाना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन दे रहा है XRP को, BNB को, यानी कि टॉप ऑल्टकॉइन्स में से एक अगर कोई है तो वो सोलाना ही है, और जिसकी ब्लॉकचेन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और इसी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है बोंग कॉइन। तो ये ऑलरेडी Web3 के ऊपर काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट, यानी कि बोंग कॉइन ये मल्टी चेन्स के ऊपर है, ऑलरेडी 10 चेन्स के ऊपर है, डिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं और गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जनरली कोई भी मीम कॉइन आता है मार्केट में तो उनका यही मेन काम होता है कि अपनी ब्लॉकचेन लेकर आते हैं और इसी के साथ साथ गेमिंग के ऊपर काम करते हैं, मेटावर्स के ऊपर काम करते हैं, Web3 के ऊपर जितना ज़्यादा हो सकता है अपने जो प्रोसेस हैं उनको एक्सपेंड करते हैं समहाउ। अभी बोंग कॉइन आप देख सकते हैं बड़ी से बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आ चुके हैं, क्यूकॉइन, बायबिट, जुपिटर, HTX, बिटकैट, गेट, एंड सबसे बड़ा अपडेट जो है वो है कॉइनबेस। तो कॉइनबेस का मैं आपको कल भी बता चुका था, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी ही अपडेट आई है, बिल्कुल अभी अपडेट आई है कि बोंग कॉइन जो है ये कॉइनबेस के ऊपर लाइव कर दिया गया है। तो बोंग कॉइन को एज ए SPL टोकन माना जा रहा है, यानी कि सोलाना नेटवर्क के ऊपर इसको ट्रेड किया जा सकता है, किसी और चेन के ऊपर अगर सेंड किया जाएगा तो ये टोटली लॉस ऑफ फंड्स होने वाला है। हालांकि हमारे लिए कॉइनबेस इतना कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि कॉइनबेस अभी इंटरनेशनली जो ऑपरेशंस है वो धीरे धीरे अब एक्सपेंड करना शुरू कर चुका है, क्योंकि कल ही ये न्यूज़ आई थी कि ग्लोबली काम करने वाला कॉइनबेस, जिससे क्या है कि हमें और भी ज़्यादा बेटर सर्विसेज मिलने वाली हैं। तो एक्चुअल में आपको कल के दिन मैंने अपडेट दी थी कि कॉइनबेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो रही है, तो लाइव जो हुआ है वो अभी ही हुआ है। तो इस टाइम के अंदर अंदर बहुत लोगों ने अच्छा पैसा कमाया बोंग के अंदर। अभी हो सकता है कि बोंग में थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक चल रहा है। यही एक मेन रीजन है कि क्यों अभी बोंग के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं एक्स के ऊपर 149,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स इनके ट्विटर के ऊपर भी हैं। तो मीम कॉइन्स का कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर आना धीरे धीरे ट्रेंड बनता जा रहा है, लेकिन हमेशा अच्छे कॉइन्स ही इस एक्सचेंज के ऊपर आते हैं, और उन्हीं में से एक आपको बताना चाहता हूँ, शिबा इनू। तो शिबा इनू की भी एक बड़ी अपडेट है जो मैं मिस नहीं करना चाहता, आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो शिबा इनू की एक जैपनीज बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जो कॉइन चेक के नाम से है, उसके ऊपर इसकी लिस्टिंग आ रही है। तो जैपनीज जो ट्रेडर्स रहने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट में, वो अभी इसकी ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे जापान में भी। और एक चीज़ मिस मत करना, जो आपको कई बार बता चुका हूँ कि शिबेरियम के अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आने वाले हैं, शिबेरियम एक बड़ा रीज़न बनने वाला है कि क्यों हमें शिबा इनू और भी अच्छा प्रॉफिट देगा। यहाँ पे शिबा इनू के साथ साथ बोंग कॉइन भी बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, ऑलरेडी इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं, टोटल 3 दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्निंग होने वाली है, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, आज दूसरा दिन चल रहा है, कल के दिन तीसरा दिन चलेगा, यानी कि इसका बर्न मैकेनिज्म और भी फास्टली काम करेगा, जिससे कि शिबा इनू हमें एक बड़ा पंप देने वाला है। यही रीज़न है कि इसकी जो 24 आवर्स की वॉल्यूम है शिबा इनू की, वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस वक्त ये $232 मिलियन के आसपास चल रही है।
तो इन दोनों कॉइन्स के ऊपर ध्यान देना। लेकिन अगर आपको एक लिस्ट चाहिए कि कौन से मीम कॉइन्स में अभी सही समय इन्वेस्ट करने का, जिससे आप 2024 आने से पहले पहले या फिर जैन 2024 तक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएं, तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले अगर हम बॉन्ग का देखें तो इसका जो टारगेट है वो $0.0002 के आसपास है, जो कि बहुत ही जल्द अचीव होता हुआ ऑलरेडी हमें दिख रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।